नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। शुक्रवार सुबह राजन को दिल्ली पुलिस के लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल लाया गया। दिल्ली पुलिस ने छोटा राजन से जुड़े मामलों को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया और उसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। तो छोटा राजन को सीबीआई पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली में उस पर करीब 7 केस दर्ज हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। उसके खिलाफ 1999 और 2001 में भी 6 एफआईआर दर्ज की गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजू आखिरकार हिंदुस्तान आ गया। शुक्रवार सुबह राजन को दिल्ली पुलिस के लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल लाया गया। दिल्ली पुलिस ने छोटा राजन से जुड़े मामलों को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया और उसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। सूत्रों के माने तो राजन से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। राजन ने मुंबई पुलिस अफसरों के नाम बताए हैं जो दाऊद के लिए काम करते हैं। आइए आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें राजन ने मुंबई पुलिस के दागदार होने का दावा किया। मुंबई पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है, तो वो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। अन्याय मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम, दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले कुछ पुलिस वाले और नेता लोग मिले हुए। क्या नेता लोग? नेता लोग मिले हुए पॉलिटिशियन। उधर सीबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा, छोटा राजन को सफलतापूर्वक इंडोनेशिया से भारत लाया गया है। कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। फिलहाल छोटा राजन सीबीआई इंटरपोल की हिरासत में है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए डमी काफिले का इस्तेमाल किया गया है। कई मामलों में वांछित अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 3 स्तरीय सुरक्षा में रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस के अलावा सीआईएसएफ कमांडो को सुरक्षा में लगाया गया है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी छोटा राजन से पूछताछ करेंगे। उधर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, इस विषय में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, वो पहले ही भारत आ चुका है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में गिरफ्तारी के कुछ दिन तक राजन को भारत लाने में देरी हो गई थी क्योंकि ज्वालामुखी फटने के बाद बाली का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था। गुरुवार दोपहर मौसम साफ होने के बाद राजन को लेकर विशेष विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। फिलहाल उसे सीबीआई मुख्यालय में रखा गया है। उड़ान भरने से पहले छोटा राजन को वहां के मीडिया ने घेर लिया था। मीडिया के सवालों के दौरान छोटा राजन ने कहा, मैं भारत जा रहा हूं, खुश हूं, भारत में मेरा जन्म हुआ है, भारत मेरी धरती माँ है। वहीं महाराष्ट्र के अतिरिक्त गृह सचिव केपी बख्शी ने बताया, महाराष्ट्र सरकार ने छोटा राजन संबंधित सभी मामलों की फाइलों को सीबीआई को सौंप दिया है। अब ये सीबीआई तय करेगी कि छोटा राजन से पूछताछ दिल्ली में होगी या फिर मुंबई में। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज।
तो मुंबई में मकोका के अलावा आईपीसी के तहत कई मामले छोटा राजन पर दर्ज हैं, लेकिन अब चूंकि मामला सीबीआई के पास है और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां पर छोटा राजन पर 7 मामले दर्ज हैं। देखिए रिपोर्ट। राजन का हुआ मेडिकल, एम्स के डॉक्टर्स ने सीबीआई हेडक्वार्टर में डॉन की मेडिकल जांच में बताया कि उसकी मेडिकल कंडीशन स्थिर है और फिलहाल डायलिसिस नहीं किया जा रहा। सीबीआई को राजन की हिरासत 24 घंटे के लिए मिली हुई है। 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। खराब है डॉन की किडनी। राजन की मेडिकल जांच के लिए सीबीआई मुख्यालय में ही डॉक्टर बुलाए गए और उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। उसकी किडनी खराब है, इसलिए हर हफ्ते डायलिसिस होता है। इमरजेंसी में उसके लिए एम्स में कुछ कमरे भी तैयार रखे हुए हैं। मेडिकल के बाद पेशी। मेडिकल होने के बाद या तो छोटा राजन को कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर सुरक्षा कारणों के मद्देनजर मजिस्ट्रेट को ही सीबीआई मुख्यालय लाया जाएगा, जहां से उसे आधिकारिक तौर पर रिमांड पर दे दिया जाएगा। फिर सीबीआई छोटा राजन से एक एक राज उगलवाना शुरू करेगी। दिल्ली में राजन के खिलाफ 6 केस। जानकारी के मुताबिक छोटा राजन को सीबीआई पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली में उस पर करीब 7 केस दर्ज हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। उसके खिलाफ 1999 और 2001 में भी 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। राजन पर 75 मामले दर्ज। आपको बता दें कि छोटा राजन पर हत्या, स्मगलिंग, वसूली और ड्रग तस्करी के करीब 75 मामले दर्ज हैं, जिसमें कई मामलों में उसे आरोपी बनाकर केस चलाया जाएगा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी खास पेशकश, आप देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. करियर, जॉब, रिलेशनशिप और फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम, कैसे बनाएं लाइफ को बेहतर, कई सारे सवाल, इसके जवाब हैं मेरे पास।
देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। गुलमोहर सिटी NH-65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और शार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था, कभी खून बंद हो जाता कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले एक हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सारसूत द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 2216400 और 9891123092। ये मिट्टी है गुड़गांव की, वो गुड़गांव जिसकी अपनी एक और अलग पहचान बनने जा रही है। आखिर कैसे एक साइबर सिटी बॉक्सर सिटी के रूप में तब्दील होने की ओर अग्रसर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि छोटा राजन की सिक्योरिटी के मद्देनजर उसका एक हमशक्ल भी हायर किया गया। ऐसा मीडिया और संभावित हमलावरों को भटकाने के मकसद से किया गया है। देखिए रिपोर्ट। सरजमीं हिंदुस्तान को चूमा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद राजन ने भारत की धरती को चूमा।
दरअसल राजन खुद को एक देशभक्त के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा है। भारत लाए जाने के बाद उसे किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है जहां उससे पूछताछ की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि छोटा राजन की सिक्योरिटी के मद्देनजर उसका एक हमशक्ल भी हायर किया गया है। ऐसा मीडिया और संभावित हमलावरों को भटकाने के मकसद से किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजन के दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ मीडिया वालों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया। बाद में पता चला कि वो राजन की डमी का पीछा कर रहे हैं। असली छोटा राजन को तो डिटेंशन सेंटर पर पहुंचाया जा चुका है। अंडरवर्ल्ड माफिया से खतरा। राजन के डुप्लीकेट की बीते 3 दिन से तलाश चल रही थी। राजन को न सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बल्कि अपने ही गैंग के कुछ लोगों से भी खतरा है। ये वो लोग हैं जो राजन के दुश्मन छोटा शकील से मिल गए हैं या पेमेंट और दूसरे मुद्दों की वजह से राजन से बेहद नाराज बताए जाते हैं। राजनेताओं से भी खतरा। माना जा रहा है कि कुछ राजनेताओं और सिक्योरिटी अफसरों से भी राजन को खतरा हो सकता है। इनके और राजन के पुराने रिश्तों का खुलासा उससे पूछताछ में हो सकता है। ऐसे में वो भी राजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। राजन ने खुद कहा था कि मुंबई पुलिस के कई अफसरों के दाऊद से रिश्ते हैं। शायद इसी वजह से राजन के मुंबई से जुड़े सारे केस सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। राजन को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। कैसे काम करेगा राजन का डुप्लीकेट? राजन को दिल्ली या मुंबई ले जाए जाने के दौरान उसका डुप्लीकेट 2400 घंटे उसके साथ रहेगा। यहां तक कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर भी वो मौजूद रहेगा। डुप्लीकेट और छोटा राजन को एक जैसी सिक्योरिटी में रखा जाएगा। ऐसी सिक्योरिटी कोर्ट, हॉस्पिटल या डिटेंशन सेंटर ले जाए जाने के दौरान रखी जाएगी ताकि किसी को शक ना हो। राजन और उसका डुप्लीकेट एक जैसी कारों में सफर करेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी में तैनात जवान दोनों के चेहरों पर मास्क डाले रहेंगे। करीब 25-30 कमांडो सिक्योरिटी में होंगे। ये असॉल्ट राइफल, MP5 मशीन गन और ग्लॉक पिस्टल से लेस होंगे। क्राइम डेस्क हरियाणा न्यूज। उधर सूत्रों का मानना है कि राजन ने अपनी गिरफ्तारी खुद प्लान की है। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से बढ़ते खतरों के चलते सिक्योरिटी चाहता था। उसने खुद इस बारे में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों से संपर्क भी किया लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसे प्रोटेक्शन देने की बात नहीं मानी। किस पहचान के साथ इतने साल रहा राजन? सूत्रों के मुताबिक राजन अपनी असल पहचान छुपाकर कुमार मोहन के रूप में ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। उसका पासपोर्ट नंबर G927386O था। सूत्रों की माने तो राजन सिडनी में ही छुपा हुआ था। इस दौरान वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच आता जाता रहता था। सिडनी बाली के बीच हवाई सफर महज 3 घंटे का है। राजन ने खुद प्लान की अपनी गिरफ्तारी। सूत्रों का मानना है कि राजन ने अपनी गिरफ्तारी खुद प्लान की है। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील से बढ़ते खतरों के चलते सिक्योरिटी चाहता था।
उसने खुद इस बारे में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों से संपर्क भी किया, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसे प्रोटेक्शन देने की बात नहीं मानी। इसके बाद राजन ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े टॉप सोर्स से बात की थी। उसने मुंबई में मौजूद अपने भरोसेमंद लोगों को अपनी ट्रेवल डिटेल्स बताई। उसके सूत्र इन्हीं जानकारियों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर कर रहे थे। इसी के बाद छोटा राजन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस टीम और इंडोनेशिया की इंटरपोल टीम को इस बारे में बताया गया। बताया ये भी जा रहा है कि खुद को अरेस्ट कराए जाने के पीछे छोटा राजन का मकसद खुद को सेव करना था। उसे पता था कि अरेस्ट के बाद रिपोर्ट कर इंडिया लेकर आया जाएगा, जहां वो पुलिस सुरक्षा में जेल में रहेगा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो इसी के साथ आज क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मैं कोई दाऊद से डरता हूं।